नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हम पांच एंकर सबसे तेज, सबसे धारदार और धुआंधार खबरों के साथ हैं हाजिर। मैं आपको बताऊंगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस से क्यों दुनिया आई संसद में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। न्यूज रूम लाइव में तमाम बड़ी खबरें आप देखेंगे। मैं बताऊंगी न्यूयॉर्क में हिंसा की साजिश किसने रची और अब तक जांच कहां तक पहुंची। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। मैं आपको बताऊंगा कि वो रूस का कौन सा भेदिया है जिसे ज़ेलेंस्की ने पकड़ा है और अब पुतिन से सौदा करने के लिए वो तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और मैं आपको दिखाऊंगी एक नया वीडियो। देवघर से जुड़ा हुआ ये वीडियो और इसकी पूरी डिटेल मैं आप तक पहुंचाऊंगी। खबरें और भी हैं लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से मिल रही है। राजस्थान के करौली में प्रदर्शन हुआ है, राजस्थान के करौली में विरोध हुआ है। भाजयुमो ने वहां पर एक रैली निकाली और उस रैली का विरोध हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, करौली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर जमकर बवाल हुआ है। दरअसल करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, उस न्याय यात्रा को रोका गया है। ये राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। न्याय यात्रा के लिए इजाजत नहीं ली गई थी ये कहा जा रहा है, लिहाजा उसको रोका गया। न्याय यात्रा की अगुवाई तेजस्वी सूर्य करें जो कि अध्यक्ष हैं भाजयुमो के राष्ट्रीय। राजस्थान के करौली से बड़ी खबर जहां पर हिंसा भड़की थी, लोगों के घरों पर लिख दिया गया था कि ये मकान बिकाऊ है। उसके बाद से पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए बीजेपी नेता जा रहे थे लेकिन बीजेपी नेताओं को मिलने से रोका गया है और कहा गया कि इजाजत नहीं ली गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देना है राजस्थान के करौली से जहां पर बवाल हुआ है, जहां पर विरोध हुआ है बीजेपी की रैली का। आइए सीधे हम लिए चलते हैं हमारे संवाददाता देव वंकुर, वहां पर मौजूद है। स्थिति इस समय देव क्या है? आप हमें सुन पा रहे हैं देव? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभी क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, कुछ स्थिति शांत हुई है या नहीं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर बताइए। बनी हुई है आमने सामने की स्थिति है। मैं हूं यहां पर दौसा से करौली की तरफ जो सड़क जाती है, राजस्थान का जो राजमार्ग है वहां पर, और आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे सैकड़ों की संख्या में। जी बिल्कुल सईद, मैं आपको सुन पा रहा था, क्या आप मुझे सुन? हाँ बताइए प्लीज, हम सुन रहे हैं अच्छी तरह से आपको। सईद यहाँ पर आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस उनको आगे नहीं जाने देने जा रही। दौसा से करौली की तरफ जो सड़क जा रही है ये वो वाली सड़क है और यहाँ पर सईद क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो स्थिति इस वक्त वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रदर्शन को रोकने पर मल्लिका हंगामा हुआ। बिल्कुल सईद, और इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से सवाल भी उठे लेकिन अब राजनीति भी तेज होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देख रहे हैं हम कि लगातार जारी है और जिस तरह से तेजस्वी सूर्या ने अब हमला बोला है राजस्थान सरकार पर। देवांकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांकुर, तेजस्वी सूर्या ने तो यहां तक कह डाला है अपने बयान में कि राजस्थान में जंगल राज शुरू हो गया है। निखिल फ्रेम हैंग कर गया शायद, एक बार बात करो। हम करौली जाएंगे, सरकार से टकराएंगे। हम करौली जाएंगे, पुलिस से टकराएंगे। हम करौली जाएंगे, प्रशासन से। बिल्कुल अर्पिता, मेरे साथ खुद तेजस्वी सूर्या इस समय मौजूद है। तेजस्वी सूर्या ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के राज में जंगल राज है। उन्होंने कहा है जैसे लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार में होता था वैसी ही परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या सड़क पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि या तो ये करौली जाएंगे नहीं तो सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या के साथ मौजूद है। तेजस्वी, क्या आपकी वार्ता हुई है राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, क्या कुछ कह रहे हैं वो आप? गहलोत सरकार पीएफआई जैसे
एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को कोटा में, जैसलमेर में, बीकानेर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देती है। युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप में प्रोसेशन करने के लिए परमिशन नहीं देता। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स के तुष्टीकरण राजनीति, इसके विरुद्ध युवा मोर्चा का लड़ाई। तो अगर पुलिस या जिला प्रशासन आपको आगे नहीं देने जाने देती तो क्या करेंगे, आगे का क्या रुख रहेगा? मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूँ, युवा मोर्चा को परमिशन क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं दे रहे? क्या हमारे हाथ में क्या पत्थर है? क्या हमारे हाथ में हथियार है? पीएफआई उन जैसे संगठनों में जब वो जुलूस निकालते हैं, हाथ में हथियार होते हैं, लॉन्ग होते हैं, पत्थर होते हैं, उन लोगों को आप परमिशन देते हैं? लोकतांत्रिक संगठन को आप परमिशन नहीं देते? क्या हम यहाँ से जाके जो हिंदू वो पीड़ित उनसे बात करके उनको विश्वास दिलाना गैर कानूनी काम है क्या? क्यों रोक रहे हो आप? आज हम तय किया, या हम करौली जाएंगे या हम सामूहिक रूप से हम गिरफ्तार करके हम जेल जाएंगे। तो अर्पिता, आपने सुना तेजस्वी को कहते हुए कि सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे नहीं तो करौली जाएंगे। तेजस्वी ये बताएं कि 2 तारीख को हिंसा भड़की थी करौली में, आज 13 तारीख हो गई है, आप आज क्यों आए हैं, पहले क्यों नहीं आए थे आप? पिछले 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर प्रकार से ये जो हिंसा पीड़ित थे उन लोगों के सहायता के लिए हम काम कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अभी तुरंत जाके जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ एसएमएस अस्पताल में एडमिट हुए आईसीयू में, उनसे पूछिए युवा मोर्चा उनका कैसे देखभाल कर रहा है। पिछले 10 दिन में प्रदेश अध्यक्ष जी के जो डेलीगेशन था वो डेलीगेशन गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गया, कल वसुंधरा जी गई थी, युवा मोर्चा और पार्टी लगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी दंगा राजनीति कर रही है, राजस्थान में चुनाव करीब है, उससे दंगा राजनीति कांग्रेस पार्टी जब से जन्म हुई तब से आज तक ये दंगा राजनीति कांग्रेस पार्टी करते आई है। दैट इज देयर मेन स्टे, दैट इज देयर स्टेपल डाइट। द कांग्रेस सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म। तेजस्वी, आपने अभी तक जो बात की है बीजेपी के स्थानीय नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, करौली में दंगा कैसे भड़का उनका क्या कहना है आपको? दंगा होने से 3-4 दिन पहले पीएफआई ने लेटर लिखा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। पीएफआई जैसे टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक लेटर लिखने के बाद भी गहलोत सरकार करौली में या अन्य प्रदेश में एक भी पुलिस का जो व्यवस्था ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं किया था। पत्थर ले जाने का जो पूरा साजिश था, दे सपोर्टेड देम, दे वर पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। ये लोग जो पत्थर लेके छत पर खड़े हुए थे तब क्या कर रहे थे ये पुलिस? आज हम सब लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इतने उत्सुक है तब क्या कर रहा था ये पुलिस? पर तेजस्वी इज हैंड इन ग्लो विथ पीएफआई, तेजस्वी कांग्रेस गवर्नमेंट इज हैंड इन ग्लो विथ पीएफआई इन मेकिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। नव संवत्सर के बाद रामनवमी का मौका का ओकेजन आया, उस पर देश में कई जगहों पर, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दंगे हुए और बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर दंगे एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत करवाए गए। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, असम में क्यों नहीं हुआ, कर्नाटका में क्यों नहीं हुआ? कर्नाटका में भी अगले साल चुनाव है, क्यों नहीं हुआ? एक स्टेटमेंट में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में लॉजिक होनी चाहिए भैया। ये बिना लॉजिक बात करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के ना, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ढील दी गई जिसकी वजह से दंगे? बिल्कुल, तो करौली हिंसा को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही है। तेजस्वी सूर्या, जिस तरह से शुभांकर हमने देखा कि गहलोत सरकार पर जमकर बरसे और सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर भी अब आश्वासन का इंतजार है सरकार की तरफ से। आदेव, जरा सवाल पूछ लीजिए उनसे, 2 सवाल छोटे छोटे। एक, उन्हें परमिशन क्यों नहीं दी गई, और दूसरा सवाल ये कि अशोक गहलोत ने कहा था कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र की है, इस पर काफी विवाद भी हुआ था। वो
व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आगे का क्या रुख रहेगा? आप यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं, क्या कोई बात हो रही है आपकी जिला प्रशासन से, क्या कह रहे हैं पुलिस? क्योंकि यहाँ पर आपका कहना है कि धारा 144 नहीं लगी हुई, फिर भी आपको यहीं पर रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये तानाशाही सरकार है। हम बहुत स्पष्ट किए हैं, कल ही हम स्पष्ट किए थे कि युवा मोर्चा का जो डेलीगेशन है, युवा मोर्चा का जो न्याय यात्रा है, वो यहाँ से करौली तक जाएगा। ये हमारा प्रण है या हमारा संकल्प है। हम आज या करौली जाएंगे या सामूहिक रूप में हम जेल जाएंगे और पूरे राजस्थान में जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखेंगे कितने लोगों को, कितने युवाओं को अशोक गहलोत सरकार ने जेल में भर देगा। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है कि यहाँ से करौली जाएंगे, नहीं तो सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, ऐसा कहना है बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य का। बीजेपी के सांसद मनोज राजौरिया भी हमारे साथ में है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया है। पूनिया जी, आगे की क्या कार्यवाही रहेगी पार्टी की तरफ से? देखिए, बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार हुआ है, हम लोगों ने मांग की थी, गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया था, न्यायिक जांच की मांग की है, जो निर्दोष लोग हैं उनको प्रताड़ित नहीं करने की मांग की है, जो दोषी लोग हैं खुलेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तारी की बात की, और बड़े पैमाने पर लोगों का माल का नुकसान हुआ है, उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ, अभी तक सरकार का एक बंदा चूक। आप सुन सकते हैं तेजस्वी सूर्य ने बोला है अपने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड पार करने के लिए, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो इकट्ठे हुए हुए हैं और जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है वो एक सामने सामने की स्थिति है। और नेता है, कार्यकर्ता है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। तेजस्वी सूर्य को आप देख रहे थे, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उन्हें आपने सुना, और दोनों तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये लड़ाई आर पार की है, अगर जाने दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे चाहे जेल भरना पड़े, लेकिन हम यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये बड़ी बातें निकल कर आई। तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अर्पिता यहां पर लोग मौजूद हैं और लग रहा है कि बीजेपी इस बार इस मसले को आर पार की लड़ाई बना रही है। बिल्कुल, और देखिए वही बात वो कह भी रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपने समर्थकों को, जो भीड़ वहां जुटी है, कि आप बैरिकेड भी तोड़िए, आगे आप बढ़िए। देव अंकुर लगातार हमारे साथ मौजूद है। देव अंकुर, परमिशन मिली नहीं, वहां सड़क पर ही बैठ गए हैं, कितनी गैदरिंग वहां दिख रही है, कितनी भीड़ आपको दिख रही है, और इनको रोकने के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम दिख रहे हैं आप? शायद देव अंकुर तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, जरा उन पर नजर डालिए, किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हैं, नारेबाजी हो रही है, वो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और इसका जिम्मेदार सरकार को मांग रहे हैं, और जल्द से जल्द जो निर्दोष कह रहे हैं वो की कार्रवाई निर्दोषों पर नहीं होनी चाहिए, जो भी गुनहगार है उसको पकड़कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो ये भी उठ रहे हैं कि देखिए 2 तारीख को ये पूरी घटना होती है, उसके बाद आज बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हैं, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो चाहते हैं न्याय हो, जो कि जल्द से जल्द हो, और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाए, ताकि वो मजबूर ना हो उस जगह को छोड़ने के लिए। राजीव, बिल्कुल अर्पिता, सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उन सवालों के जवाब कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिए गए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में राजनीति करे, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं राजस्थान के करौली से, इन सीधी तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त रोका गया है बीजेपी के इस काफिले को। ये इसमें तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं इसमें, और ये सब जाना चाह रहे थे करौली के उस गांव पर जहां पर वो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों से मुलाकात करना चाह रहे थे लोग, लेकिन वहां का प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा है। बीजेपी के जहन में ये भी होगा जाहिर तौर पर कि वहां पर चुनाव भी है, ऐसे में पूरा का पूरा जो है माहौल सही वहां पर बनाया जा रहा है, हंटर चला है, कहा गया वसूली की जाएगी उन लोगों से जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। अर्पिता, बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन भी इसलिए कर दिया गया है, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, उसको लेकर बवाल हुआ और उन पर केस भी दर्ज हो चुका है, और उन्होंने 3 साल पहले का ट्वीट शिवराज सिंह चौहान का निकाला और कह रहे हैं केस तो इस पर भी दर्ज होना चाहिए। देखिए, कहीं भी कोई
स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस को छुपाने के लिए आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुस्लिम समुदाय को दे रहे हैं। और ये लोग किसी एक समाज के किसी एक धर्म के दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी देश के और पूरे के पूरे समाज के सुरक्षा के सौहार्द के दुश्मन है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों से बेहद ही सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए हैं। बिना कोई नरमी शिवराज ने कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को खुली छूट दे दी है। शिवराज ने कड़े शब्दों में आरोपियों को चेतावनी दी है, कहा किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली उन्हीं से की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन भी किया है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। खरगोन हिंसा पर अब सियासत भी जमकर होने लगी है। दिग्विजय सिंह की एक तस्वीर पर बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोल किया। दिग्विजय की पोस्ट को राज्य में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश बताया। उधर उवैसी ने भी इसी बहाने मुसलमानों को दबाने का मुद्दा उठाया। मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। आपकी आस्था है मुबारक हो, मेरी आस्था मुझे मुबारक हो, ना मैं अपनी आस्था को ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप ओबीसी जैसे लोगों के दिल में हम प्रेम भी पैदा नहीं करना चाहते, हमने उनका प्रेम देखा है कैसा है। एक दिन के अंदर रामनवमी साल में एक बार आती है, 12 स्थानों पर देश में दंगा हो जाता है। जेएनयू में मास पर हमारी त्योहार पे ही होता है ना, उनके पे तो नहीं होता कभी, क्या होता है कभी? आपने सुना है क्या उनके त्योहार पे हो जाता है दंगा कभी? खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घर को ढहाया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त जारी है, भारी फोर्स की तैनाती की गई है। हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कईयों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। रविश पाल सिंह के साथ उमेश रेवलिया, आज तक। 16 घर और 29 दुकानें यहां पर तोड़ दी गई हैं और अब सियासत यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। राजीव, बिल्कुल सियासत कहीं और भी चल रही है। जेएनयू में नॉनवेज विवाद और इसी विवाद पर जेएनयू के वाइस चांसलर ने बातचीत की है अंजना ओम कश्यप से, सुनिए। जेएनयू विवाद, जहां पर नॉनवेज को लेकर वो भी रामनवमी के दिन एक बड़ा बवाल कावेरी हॉस्टल में हुआ, लेकिन उसके बाद जेएनयू के रजिस्ट्रार ने बाकायदा ये जानकारी दी कि वहां पर रामनवमी की पूजा को लेकर कुछ लोगों की, कुछ छात्रों की आपत्ति थी और उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त लाइव आज तक पर। हमारे साथ जेएनयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांति श्री पंडित जुड़ रही हैं। प्रोफेसर शांति श्री पंडित, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल मैम, नमस्कार, मेरा पहला सवाल मैम आपसे यही है कि ये पूरा बवाल है क्या, क्योंकि 2 गुट थे छात्रों के। लेफ्ट विंग के छात्रों का कहना है कि उन्हें नॉनवेज खाने से रोका जा रहा था कावेरी हॉस्टल में, जबकि जो एबीवीपी छात्र हैं वो कह रहे हैं उनको पूजा करने से रोका जा रहा था। रजिस्ट्रार ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें उन्होंने कहा कि रामनवमी की पूजा को लेकर कुछ छात्रों का विरोध था। आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, क्या नॉनवेज बनाने से कावेरी हॉस्टल में रोका जा रहा था? प्रोफेसर पंडित, मैडम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत डेमोक्रेटिक पद्धति में फंक्शन होती है। यहाँ जो मेस में क्या खाना बनाना है, क्या खाना नहीं बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन की लोग तय नहीं करते हैं।
वहां के छात्र की कमिटी है, एक मेस सेक्रेटरी है, एक मेस कमिटी है, और वो हॉस्टल के छात्रों उसकी डिसीशन निर्णय लेते हैं। उस दिन आपको मालूम है रामनवमी के दिन, 10th के दिन में सब 16 हॉस्टल्स में कुछ नहीं हुआ, बट सिर्फ कावेरी में प्रॉब्लम हुआ। और 7 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे मैसेज आया 4 बजे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स के लिए। इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटर DSW और वार्डन्स वहां जाकर बोस ये भी लगा दिया कि वहां खाने पे कोई बंदी नहीं, जिस स्टूडेंट को जो खाना खाने की इच्छा है वह खा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इफ्तार पार्टी भी चल रही थी और रामनवमी के हवन भी चल रही थी और सब शांतिपूर्व तरह बंद भी हो गई। बट कुछ 8:30 बजे बाहर से लोग आकर वहां हिंसा फैला दिया। हमें भी बहुत ये दुर्भाग्य स्थिति है, हम भी ये नहीं सोचा ऐसे हो सकते हैं। हमने एक प्रॉक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किए हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा ये क्या ट्रिगर थी एंड क्यों हिंसा हुई थी। और उसके बाद मैंने 11 बजे हॉस्टल विजिट किया और सब कावेरी स्टूडेंट हॉस्टल से स्टूडेंट से मिला और उन्हें आश्वासन दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन को 0 tolerance है वायलेंस से और ये एडमिनिस्ट्रेशन धर्मनिरपेक्ष है और सब धर्मों को हम सर्वधर्म समभाव से देखते हैं और किसी की खाने की हैबिट्स या कुछ पे हमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑल फूड चॉइसेस आर रेस्पेक्टेड JNU में। तो प्रोफेसर, और हमने बताया इसमें एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करके जी। तो प्रोफेसर पंडित, उस दिन क्या नॉनवेज बना था फिर कावेरी हॉस्टल में, बच्चों ने खाया था वहां पर? हाँ, वार्डन्स ने उस दिन बताया रिपोर्ट में नहीं बनाया क्योंकि कुछ छात्रों ने वह चिकन की जो सप्लायर था उससे वाद विवाद कर रहे थे। बट दूसरा 16 हॉस्टल्स में नॉनवेज बनाया था और बच्चों भी खाए पे थे। तो यही बवाल है, वो कह रहे हैं कि हम लोग कावेरी हॉस्टल में भी खाना चाहते थे, कुछ छात्रों ने वापस भेज दिया सप्लायर को तो नॉनवेज नहीं बन पाया। क्या ऐसे में वार्डन ने फौरन इसको एड्रेस किया था, कुछ इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी? सर मैडम बहुत कोशिश की बट उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स जो आउटसाइड से आए थे उसने वो जो सप्लायर था उसको अंदर ही आने नहीं दिया। पता चला है मैम ये बाहर के स्टूडेंट्स कौन लोग कौन थे? सो इस पे क्या अभी तक JNU को ये पता चल पाया है कि बाहर के छात्र कौन थे, कहां से आए थे, कुछ भी इंफॉर्मेशन? सर मैडम हमारी एक ओपन कैंपस है, आपको मालूम है हम बहुत लोग को अंदर गेस्ट के रूप में आते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं। सो इसीलिए हम पता कर रहे हैं और इस पता चलने के बाद हम आपको बता सकते हैं। प्रोफेसर पंडित, आप पहली महिला वाइस चांसलर हैं JNU में और यहां पे कहा जाता है JNU को संभालना, जबकि वहां पर विचारधाराओं की एक बहुत बड़ी टक्कर हम देखते हैं हमेशा होते हुए वाम दलों में, जो जिनका वर्चस्व हमेशा से पहले JNU में रहा था और अब ABVP के छात्र भी उसी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। पहली महिला वाइस चांसलर होते हुए और ये जो बड़ी चुनौती है, क्या उसको हैंडल करने में आपको मुश्किलें आ रही हैं? क्योंकि बहुत आसान नहीं है जब विचारधाराओं की ऐसी टक्कर हो। बाद में जो तस्वीरें आई उसने सबको विचलित कर दिया, कुछ लड़कियों को चोट लगी हुई थी, कुछ लड़कों को चोटें लगी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन यहां का कितना मुश्किल है प्रोफेसर पंडित? मैडम जितना मुश्किल पुरुष के लिए उतना मुश्किल स्त्री के लिए है। भारतीय संस्कृति में जो गॉडेसेस पावरफुल है वह सब स्त्री है, दुर्गा स्त्री है, महालक्ष्मी स्त्री है, सरस्वती स्त्री है। सो नॉलेज पावर और पैसा स्त्रियों के से ही आती है। सो पहली मैं ये बताना चाहती हूँ से सिर्फ मैं स्त्री हूँ इससे मैं दुर्बल नहीं हूँ।
स्त्री के साथ ही शक्ति रहती है, और हम इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि 90-95% स्टूडेंट्स बहुत मदद करते हैं, वो राष्ट्रवाद भी हैं और हमारा फैकल्टी भी। सो इसीलिए जो फ्रिंज, हम फ्रिंज ग्रुप बताते हैं जो इस हिंसा में हैं, उनको हम एक्शन लेंगे। और आपको मालूम है स्त्रियों भी बहुत अच्छे नेतृत्व कर सकते हैं, स्त्रियां भी नहीं, स्त्रियां ही और बाकी लोग बाद में। मेरा ये अर्थ नहीं था आपने सवाल में, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, आपने एक बहुत बड़ी रवायत वहां पर बदली है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि मैम जो तस्वीरें आई, कई बच्चियां घायल थी, वाम दलों का ये कहना था कि एबीवीपी के लड़कों ने गुंडागर्दी की है, मारपीट की है, इस पर आप क्या जानकारी देंगे? मैडम दोनों साइड से माइनर इंजरीज हुई है, आप पुलिस रिपोर्ट देख लीजिए, दोनों ग्रुप्स जाकर पुलिस में भी कंप्लेन कर दिए हैं। सो माइनर इंजरीज हुए हैं, और ये जान सकते हैं कि मैं यहाँ छात्र रही हूँ, 1985 से 90 तक मैं जेएनयू की छात्र रही हूँ। सो मुझे जेएनयू की पॉलिटिक्स अच्छी तरह मालूम है, सो इसीलिए मुझे ये चुनौती इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अंदर, मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और इस यूनिवर्सिटी आई हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वॉट एवर आई एम टूडे, मैं जो हूँ आज ये विद्या यूनिवर्सिटी ने किया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी से सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी ही WS रैंकिंग्स में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस और ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा रैंकिंग पे है, और कोई भारतीय यूनिवर्सिटी उस पोजीशन में नहीं है। ये टकराव यहाँ पर क्यों होती है? आप तो एक छात्र के भी तौर पर आपने यूनिवर्सिटी को देखा, और एक पहली महिला वाइस चांसलर के तौर पर भी आप पूरी यूनिवर्सिटी को देख रही हैं। ये टक्कर हम क्यों देखते हैं वहां पर? मैडम इस बार बहुत कम हिंसा हुआ जो आप आगे में हुआ, और एक दिन के बाद शांति आ गई है। मैं सब छात्रों से मिल भी रही हूँ और वार्डन से भी मिल रही थी। ये क्या होते हैं? जब बदल होते हैं मैडम, आपको भी मालूम है, जब बदल होते हैं तो रेसिस्टेंस होते हैं, और वो रेसिस्टेंस यहाँ हो रही है। इसीलिए मैं लोग को कह रही हूँ कि एक विश्वविद्यालय में आप नैतिक लेवल पे आप डिबेट्स रखिए, आप हिंसा मत करिए, हिंसा से कोई को कुछ नहीं मिलते हैं। अहिंसा ये एक होना चाहिए, और मैं ये आश्वासन आपको दे सकती हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सब साइड्स को समझा दिया कि हिंसा किसी समस्या के लिए सल्यूशन नहीं है, और स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन इस समस्या में हम सब पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन पन है। जिस बदलाव की आप बात कर रही हैं उसी पर मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने एक छात्र के तौर पर भी जेएनयू को देखा है, आपने देखा होगा वाम दलों का अच्छा खासा, वाम विचारधारा का वर्चस्व रहा था जेएनयू में, क्या उसको जो चुनौती मिल रही है मौजूदा डिस्पेंसेशन से, उसकी वजह से ये टकराव हम देख रहे हैं? हाँ, ये टकराव वही बदल के, क्योंकि वह उन नरेटिव्स, हेजेमोनिक नरेटिव उनकी अब चैलेंज हो रही है, और भारतीय पद्धति में आपको मालूम है एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति कि बहुत मल्टीपल नरेटिव्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सो वह मल्टीपल नरेटिव्स को लिए जगह करने के लिए यहाँ बहुत संघर्ष हो रही है, इस संघर्ष में कुछ संघर्षों में हिंसा भी बाहर आ रही है, क्योंकि जो हार रहे हैं वो हिंसा करने के बहुत प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर शांति श्री पंडित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दशकों के इंतजार के बाद ही सही देश के प्रतिष्ठित जेएनयू में एक महिला वीसी बनी है, इस बात पर पूरे देश को गर्व है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी सईद अंसारी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। हमारे अन्य सहयोगी भी जो इस मल्टीपल एंकर शो में, राजीव आपको दिखाई दे रहे हैं, राजीव
थैंक यू सो मच अंजना। तो जेएनयू के वाइस चांसलर से आपने बातचीत सुनी और सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिया। अलिका के पास एक बड़ी खबर इस वक्त। बिल्कुल सही, न्यूज रूम लाइव में अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। हेट स्पीच के दो मामलों में अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, नफरत फैलाने वाले भाषण देने को लेकर ऑल इंडिया मजलिस से इतिहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत फैसला सुना चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो एक बार फिर बता दें, काफी चर्चित लंबित मामला ये था जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे, काफी विवाद हुआ था जिस वक्त बयान सामने आया था, लेकिन अब इस पूरे विवाद को लेकर यहां पर उन्हें बरी कर दिया गया है। यह आज के दिन की एक बहुत बड़ी खबर है और देर शाम होते होते इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी।